वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आ गया हूँ मैं अगेन एक अमेजिंग सी वीडियो आप सबके लिए लेकर। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, मेरे पीछे देखो, थंबनेल देखकर भी आपको पता चल गया होगा, आज मैं दोबारा आया हूँ मायरन ऑटोमोबाइल्स की शॉप पे। तो यहाँ पे बैटरी की स्कूटी वगैरह होती है, बैटरी स्कूटी जैसे पता है आपको आजकल बैटरी का ही ऑलमोस्ट सब कुछ आने वाला है। मेरी पिछली वीडियो को भी आपने बहुत सारा प्यार दिया था, इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देना। और मैं मुंडका में हूँ, मैं सारी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो पिछली वीडियो में इन्होंने 0% डाउन पेमेंट पे ऑफर दिया था, दिवाली का टाइम था पिछली वीडियो में भी, पिछली साल थी पिछली वीडियो, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस वीडियो में भी 0% डाउन पेमेंट में स्कूटी देने वाले हैं, चार्जिंग स्कूटी, ठीक है। स्टार्टिंग कितने से होती है, लास्ट कितने पैसों तक जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। तो चलते हैं अंदर बिना किसी देरी के। तो चलो, तो ये सर है यहाँ के मैनेजर, अकबर सर का नाम है। और सर कैसे हो? फाइन। आपको जैसे कि पता ही है पिछली वीडियो हमने बनाई थी पिछले साल, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा उसका? उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, उसके लिए भी थैंक्स कहना चाहेंगे व्यूवर्स को। जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है जी। अभी भी और भी मतलब व्यूज तो बढ़ते ही जा रहे हैं कंटिन्यू, बाकी व्यूज इंडिया से इंक्वायरीज आ रही है, कॉल्स आ रही है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। तो हम व्यूअर्स से चाहेंगे कि इस वीडियो को भी इतना ही प्यार दे जितना उसको दे रहे हैं। बिल्कुल बेशक चाहेंगे। तो आज सर क्या दिखाना चाहते हैं, कहाँ से स्टार्टिंग है, प्राइस वगैरह? स्टार्टिंग प्राइस हमारा 50,000 है, ठीक है। वो हमारा जीटी मॉडल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और लास्ट कितने तक पहुँच जाती है सर प्राइस? लास्ट प्राइस हमारा जाता है 1,05,000 तक, ठीक है। उसमें लिथियम बैटरी में देते हैं हम जी, वो मॉडल रहेगा आपका पावर मॉडल, ठीक है। डबल बैटरी आती है उसके अंदर लिथियम में जी। उसकी जो रेंज जाती है वो तकरीबन 140 किलोमीटर के करीब जाती है जी, सिंगल पर्सन इको स्पीड, ठीक है। बाकी मॉडल कितने कितने मतलब कितने हैं आपके पास टोटल मॉडल्स? हमारे पास अभी तो अवेलेबल जो है 3 मॉडल्स अवेलेबल है हमारे पास जी, 3 और 4 मॉडल्स अवेलेबल है। बाकियों का ऑर्डर दे रखा है, बाकियों का ऑर्डर प्लेस्ड है, आ जाएंगे एक दो दिन में, लोट आ जाएगा हमारे पास जी। लेड एसिड बैटरी में, ठीक है। ये कंपनी का इको प्राइस में दिया हुआ है कंपनी ने, ठीक है, सभी पर्सन के लिए। और 48 वोल्ट में ये आता है लेड एसिड बैटरी में, 50,000 का जी। इसमें जो रेंज रहेगी तकरीबन 60-70 किलोमीटर पर चार्जिंग की रेंज होती है किलोमीटर की, ठीक है। सिंगल पर्सन इको स्पीड में, वन टाइम चार्ज पे। डिग्गी स्पेस देखना चाहेंगे एक बार, डिग्गी स्पेस भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा डिग्गी स्पेस रहेगा, मैं देख पा रहा हूँ गाइस, काफी बड़ा है डिग्गी स्पेस जो है, काफी ज्यादा। बाकी बैटरी कहाँ होती है? बैटरी इसके डिग्गी के नीचे ही होती है यहाँ पर। अच्छा, बैटरी यहीं पे लगी हुई है, कितनी है? एक दो, इसमें 4 बैटरी होती है 48 वोल्ट में, 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है जी। तो 4 बैटरी की सीरीज बनती है जी लेड एसिड बैटरी में, ठीक है। और अगर लिथियम बैटरी में लेना चाहेंगे, यही वाला मॉडल आपको 70,000 का मिलेगा, उसमें वारंटी बैटरी की 3 साल हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये बटन किस चीज़ का है? ये MCB स्विच होता है जी, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे जी ये अपने आप डाउन हो जाता है, अपने आप डाउन हो जाएगा। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, अगर बीच में कहीं रोड पे कोई शॉर्ट सर्किट, अगर वायर्स वगैरह में कोई शॉर्ट सर्किट होता है, ये उसके लिए होता है जी। तो इससे पूरी स्कूटी को तो कुछ नुकसान नहीं होगा? नुकसान नहीं। चलिए ठीक है, बाकी इसके कुछ फीचर्स देखना जाएंगे, बटन्स वगैरह ये सब। और इसमें लाइट का स्विच दिया हुआ है जी, ये लाइट का स्विच है, इससे हमारी हेडलैम्प ऑन हो जाता है। एक बार और, ये पार्किंग लाइट है, ठीक है। ये आपका हेडलैम्प हो गया, ये हेडलैम्प हो गया, ठीक है। 4 स्पीड है इसके अंदर, यहाँ से हम इस स्विच से हम
स्पीड चेंज कर सकते हैं जी। ये हमारा फोर्थ मोड पे जाएगा, यहाँ से हमारी जो मैक्सिमम स्पीड जाएगी 45 जाएगी, ठीक है। ये हमारा लो स्पीड में आता है जी। लो स्पीड में आपका जो आपकी जो स्पीड रहती है मैक्सिमम 45 रहती है जी। इसमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ठीक है। इसमें हेलमेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हेलमेट सेफ्टी के लिए लगाना है, कंपलसरी है। कंपलसरी नहीं है बट सेफ्टी तो सेफ्टी नहीं होती के है लिए ना। बिल्कुल सेफ्टी बिल्कुल के लिए तो लगाना पड़ेगा। और नंबर प्लेट वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? नंबर प्लेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए हम ये वाली प्लेट लगाते हैं। ये प्लेट है, ये लगती है स्कूटर के साथ, ठीक है। ये आईकैट से अप्रूव्ड व्हीकल है जी। तो और नेक्स्ट मॉडल, इसमें कलर है? इसमें और भी कलर है, इसमें व्हाइट कलर आता है, ये आगे फ्रंट पे खड़ा हूं मैं, ठीक है। व्हाइट एंड ब्लू, एक ये कलर हो गया है, ठीक है। और एक आगे व्हाइट रेड खड़ा है इसी के नेक्स्ट। कलर तो काफी प्यारे लग रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। बाकी फीचर तो सेम होने वाले हैं, फीचर सभी मॉडल्स में ऑलमोस्ट सेम है, सब में सेम है, बस बैटरी वगैरह का फर्क पड़ जाता होगा, फर्क पड़ जाता है थोड़ा बहुत। और किस चीज का? बस बैटरी का ही फर्क है, बाकी स्पीड सब में सेम है, स्पीड सब में इको यही रहेगी आपकी 45। और दूसरा मॉडल कौन सा होगा सर? दूसरा मॉडल आ जाता है हमारा, ये वीप्रो मॉडल है, येलो। हाँ, ये 55,000 का है, 48 वोल्ट में लेड एसिड बैटरी। ये मैं देख पा रहा हूँ लुकिंग वाइज भी काफी अच्छा लग रहा है। हाँ जी, ये कस्टमर्स जो आते होंगे आपके, हाँ, इसकी भी अच्छी डिमांड है, डिमांड अच्छी है इसकी ना। तो इसमें क्या बैटरी है? हमारा वीप्रो मॉडल है, ठीक है। फीचर्स इसमें भी सभी बराबर हैं, ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे, आगे डिस्क ब्रेक मिलेगा जी, डिजिटल मीटर, 4 स्पीड, बाकी ये भी नॉन रजिस्टर्ड में ही रहेगा, इसमें भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और डिग्गी स्पेस इतना भी, इसमें भी उतना ही रहेगा, ऑलमोस्ट बराबर ही है सब में, क्योंकि ऐसा ना इलेक्ट्रिक व्हीकल को थोड़ा ना कॉम्पैक्ट बनाना पड़ता है जी, अगर उसको ज़्यादा बड़ा बना दिया, हैवी बना दिया, तो फिर उसमें रेंज के ऊपर फर्क पड़ता है जी जी जी। बाकी लुकिंग वाइज गाइस मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी बढ़िया है, ये देखिए इसमें जो फुट रेस्ट है वो भी आपका, यहाँ से रुक जाते हैं, प्रेस करेंगे तो ये खुल जाता है बहुत इजी तरीके से गाइस। ये देखिए एक प्रेस करते ही ओपन हो जाएगा और हल्का सा प्रेस करते ही वापस डाउन हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्कूटी वगैरह काफ़ी प्यारी लग रही है, कलर्स वगैरह देख पा रहा हूँ मैं काफ़ी, ठीक है। ये देखिए गाइस ये एस प्रो मॉडल बता रहे हैं, ये चकोर लाइट में आता है, दिखाए तो मैं आगे से एक बार, ये देखिए गाइस काफी प्यारा मॉडल लग रहा है ये भी। ये हम 60 वोल्ट में दे रहे हैं लेड एसिड बैटरी में, 60,000 का, ठीक है। स्पीड इसमें भी 45 ही रहेगी, ठीक है। नॉन रजिस्टर्ड, इसकी थोड़ी सी लुक चेंज हो गई है, राइट। हां जी, बॉडी शेप चेंज है इसका, थोड़ा सा वीप्रो से थोड़ा सा डिफरेंट है जी। ये एस्प्रो मॉडल है हमारा, इसमें और भी कलर्स हैं, इसमें भी सेम है यही चीज, सब में सेम है ये, सब में सेम रहेगा। बाकी वी प्रो मॉडल है वो वी प्रो मॉडल हो गया गोल्ड वाला, ये एस प्रो मॉडल है, ये एस प्रो मॉडल है, ये 60 वोल्ट में दे रहे हैं हम लेड एसिड में जी, 60,000 का। बाकी प्राइस उसका बताया आपने? वो 55,000 का है वी प्रो, और ये वाली जो बताई थी ब्लैक वाली 50,000, ये 50,000 मॉडल, 50,000 वी प्रो, 55 एंड एस प्रो 60। बाकी ये ऑन हो पाएगी? नहीं, अभी बैटरी नहीं डली, अभी आगे ही खड़ी है मेरे ख्याल से। टाइम ऑफ डिलीवरी हम बैटरी उसमें लगा के देते हैं जी, ताकि कस्टमर्स को ये ना रहे कि पुरानी बैटरी लगा के डालती है। बाकी फीचर्स हमने दिखाई पहले वाले में, स्टार्ट करके दिखाई है आपको, वही सब होने वाले हैं ऑलमोस्ट सब में, ऑलमोस्ट सब में बराबर है, बटन पोर्ट्स वगैरह और जो डिस्प्ले, थोड़ा सा डिफर आ जाता है इसमें, जो हेडलैम्प है, हेडलैम्प पे DRL दिया हुआ है, इसमें बॉर्डर के ऊपर ये DRL है यहाँ पर, ये इसमें लाइट्स जो है वो ग्रीन, येलो, ऑरेंज चेंज होती रहती है राइट। और इसमें थोड़ा सा मतलब ये जो देख पा रहा हूँ स्क्रीन भी छोटी है थोड़ी ना पहले वाले के मुकाबले, ये देखिए इसकी बड़ी है, इसमें देख नहीं पा रही होगी, इसमें देखिए थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन है, उसमें थोड़ी सी छोटी स्क्रीन है, तो कोई बात नहीं, स्क्रीन का तो कोई फर्क नहीं है। हम जीरो डाउन पेमेंट पे भी स्कूटर दे रहे हैं, उसके लिए जो बैंक से सब्जेक्ट टू अप्रूवल आएगा, तो हम उसमें जीरो डाउन पेमेंट पे भी स्कूटर दे रहे हैं। वो सिविल के ऊपर डिपेंड करता है गाइस, ठीक है, सिविल के ऊपर डिपेंड करता है, और रेजिडेंस ओन्ड होना चाहिए उसमें ना जी, तो हम जीरो डाउन पेमेंट पे भी स्कूटर दे रहे हैं। बाकी उसमें भी है मेंशन, मैं दिखाता हूँ एक बार और, ठीक है। ये देखिए बजाज फाइनसर
कोटेक और भी है ना? दो ही है। आपके पास दो ही है, और अगर अपना कोई बैंक उससे लेना चाहे तो? अपने बैंक नेशनलाइज्ड बैंक नॉन रजिस्टर्ड व्हीकल को फाइनेंस करते नहीं है, इसलिए अच्छा। हमने इनसे टाई अप किया है कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज फिनसर्व के साथ। अच्छा अच्छा, हम रजिस्टर्ड इनके चैनल पार्टनर हैं। चलिए ठीक है, ये तो बाकी एड्रेस बता दीजिए आप एक बार। एड्रेस यहाँ का प्लॉट नंबर 215-216 ठीक है, रोहतक रोड जी, अपोजिट पिलर नंबर 536 मुंडका दिल्ली 41 ठीक है। बाकी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन? मुंडका मेट्रो स्टेशन। मुंडका मेट्रो स्टेशन, बाकी बगल में कलेवा, कलेवा रेस्टोरेंट, कलेवा रेस्टोरेंट के जस्ट बगल में है आपकी शॉप, मायरोन ऑटोमोबाइल्स के नाम से, राइट। इसके जो पार्ट्स वगैरह है ये सब कहाँ मिलेंगे, सर्विस कहाँ पे होगी, कितनी सर्विस आप फ्री दोगे, और ये सब इन्फॉर्मेशन भी प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि व्यूअर्स सबसे पहले यही जानना चाहते हैं। सर, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हो, जब तक उसमें आफ्टर सेल सर्विस आप अच्छी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक वो प्रोडक्ट जो है वो सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो स्पेयर्स वगैरह हैं, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, वो भी यहीं पर ही हम अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, सेम डे नहीं तो एक दो दिन में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट हमारा जो है वो इस कंपनी का सुपरटेक ऑटो इंडिया का जी, वो बहादुरगढ़ में ही है, तो नजदीक है हमारे से, ज्यादा दूर भी नहीं है, तो एक दो दिन में हम प्रोवाइड करा देते हैं स्पेयर्स वगैरह। अगर कोई बॉडी पार्ट भी अगर डैमेज हो जाता है वो भी प्रोवाइड करा देते हैं। बाकी इसकी वारंटी वगैरह? वारंटी जो है लेड एसिड बैटरी में आपको 1 ईयर की वारंटी रहती है मोटर कंट्रोलर बैटरी की। ठीक है, और पार्ट्स तो हमारे पास हैं इजीली अवेलेबल, सर्विस भी हम फ्री दे रहे हैं, 2 महीने में हम 3 सर्विस फ्री दे रहे हैं सर इसके साथ। ठीक है, उसके बाद चार्जेबल है? उसके बाद चार्जेबल रहते हैं। उसके चार्ज कितने? 500 रुपीज उसके चार्ज होते हैं पर सर्विस। आपके पास ही आके सर्विस करा सकते हैं? हाँ, करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी बैटरी वगैरह अगर चेंज करवानी हो, और वैसे कितने टाइम में चेंज हो जाती है बैटरी? सर, वारंटी है 1 साल की, बाकी चलने को, चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर कैसे उसको यूज़ कर रहा है, क्योंकि बैटरी के जो पैरामीटर्स हैं जी, बहुत ही कम कस्टमर्स होते हैं जो उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बैटरी के जो पैरामीटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हैं तो वो 1.5 साल 2 साल आराम से चल जाती है। अच्छा, हाँ जी। तो बाकी अगर चेंज करवाना चाहें तो कितने रुपए तक चेंज हो जाती है? सर, बैटरी का जो लेड एसिड बैटरी का जो सेट आता है वो तकरीबन 12,000 रुपए के आसपास सेट डलता है इसका, 4 बैटरी का एक सेट। ठीक है, है। बाकी जो दूसरी बैटरी बता रहे हो, लिथियम बैटरी जी, हाँ, वो भी 18,000 रुपए से शुरू होती है, 18-19,000 रुपए से शुरू होती है जी। बाकी वोल्ट के अकॉर्डिंग प्राइस चेंज होते चले जाते हैं, 22,000 की भी है, 28,000 की भी है, 32,000 रुपए की भी है, तो डिफरेंट एएच और वोल्ट के अकॉर्डिंग प्राइस चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। बाकी बैटरीज वगैरह मैं वहाँ भी देख रहा हूँ, कुछ पड़ी है आपके पास? ये सारी अभी हमारे पास जो है लेड एसिड बैटरी रखी हुई है पीछे। ठीक है, बाकी पार्ट्स वगैरह आपने दिखाए थे उस साइड स्टोर में रखे हुए हैं, राइट। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसी मजेदार वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, ठीक है, आप सबके लिए दिवाली ऑफर वगैरह लाता रहता हूँ, और 0% डाउन पेमेंट पे समझ लीजिए दिवाली ऑफर ही आप सबके लिए, ठीक है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मैसेज करके पूछते हो इसीलिए बता रहा हूँ बार बार, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सबको कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। ओके, बाय।